हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुछ क्विक सी रेसिपी। तो इसके लिए हमने एक लिया है सेव, इसको हमने अच्छे से धो लिया है और आप सभी को पता है कि सेव खाना स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धो तो लिया ही है, अब हम इसको काट लेंगे इसके बीच और ये जो डंठल है इसको हटा देंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ टुकड़ों को हमने बड़ा रखा है और कुछ छोटा छोटा काट लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का एक जार और इसमें डाल देंगे हम ये बड़े वाले टुकड़े। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इन टुकड़ों को डाल दिया है, बड़े वाले जो टुकड़े थे उनको सबको डाल दिया है जार में। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। तो ये मैंने 2 चम्मच चीनी ली है एक सेव के लिए और इनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 गिलास दूध और इसको भी हम चला लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको निकाल लेते हैं एक जार में या फिर किसी भी आप कप में, कटोरी में, जिसमें भी निकालना चाहें उसमें निकाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे और सेव, इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें नारियल, काजू, चिरौंजी ये सब डाला है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी ये बहुत, सॉरी, पीने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।